लास्ट क्लास वी डिड टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, और ऐसा समझ लीजिए कि टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का सबसे बड़ा पोर्शन है। उसको हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, तो अब बहुत छोटी मोटी चीजें रह भी गई हैं इस चैप्टर में, उसे कंप्लीट करते हैं और उसके बाद एमसीक्यूज और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Illustration 3 is there. After that, gift taxation. Gift pe hi based question hai ye. Kehta hai, Flora received the following gifts during the year ending 31st March 2018. Kya gift mila usse? 40,000 from her elder sister. 40,000 rupay usko elder sister se mila. 60,000 rupay usse milta hai from the daughter of her elder sister. एल्डर सिस्टर बहन रिलेटिव होती है, हां, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट टैक्सेबल। अच्छा, 60,000 रुपए मिला है डॉटर ऑफ एल्डर सिस्टर से, बहन की बेटी से। बहन की बेटी रिलेटिव होती है? नहीं, बस भाई बहन ना रिलेटिव होते, उनके बच्चे रिलेटिव नहीं होते। हां, अपने बच्चे रिलेटिव होते हैं, तो ये बहन की बेटी ने दिया है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। 1,25,000 रुपए मिला है वेरियस फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, सभी दोस्तों ने मिला कि 1,25,000 रुपए दिया, मैरिज पे दिया, शादी पे। शादी पे अगर मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, नॉट टैक्सेबल, क्योंकि कुछ कैटेगरी एग्जेम्प्टेड है ना एकदम, जैसे रिश्तेदार से मिला, शादी पे मिला, वसीयत मिला, फिर कि कोई मरते मरते दे गया, लोकल अथॉरिटी से मिला, 1023C वाले हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिला, 12AA वाले चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से मिला। ठीक है, जैसे मुझे याद है ना सारी चीजें, वैसे आपको भी याद होनी चाहिए, तब काम बनेगा एग्जाम में। इलस्ट्रेशन 4 देखेंगे, छोड़ दीजिए, क्या करिएगा देख के, घर पे देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ ये भी देख लीजिएगा आप। आइए नेक्स्ट हेडिंग पे आइए। गिफ्ट में तो खुद ही मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं ऑलरेडी, और अभी जैसे ही मैं खत्म करता हूं ना तो बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे हम लोग गिफ्ट पे बेस्ड। रिसिप्ट ऑफ शेयर प्रीमियम बाय ए कंपनी ट्रीटेड एज इनकम, क्या मतलब है इसका? देखिए, देखिए मार्केट में ना तरह तरह की टैक्स प्लानिंग चलती है। अब एक बंदा है, देखिए मेरे पास एक क्लाइंट है, डमी कहानी बता रहे हैं, वो कहता है कि सर मेरे पास ना 1 करोड़ रुपए हैं, लेकिन ये ब्लैक मनी है मेरा। ब्लैक मनी समझते हैं कि नहीं? पूरा इनकम टैक्स खत्म होने को आ गया है, ब्लैक मनी अभी तक समझे कि नहीं? काले रंग का पैसा होता है ये। ब्लैक मनी उसे कहा जाता है जिसपे आप टैक्स नहीं देते हैं। ठीक है, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा लेकिन टैक्स नहीं दिया गया है तो वो काला पैसा है। ठीक है, जैसे मुझे मेहनत से पैसे आते हैं कि नहीं? मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो मुझे पैसे आते हैं, मेहनत से पैसे आते हैं, लेकिन अगर मैंने उस पर टैक्स नहीं दिया तो उसे पता है क्या बोलेंगे? ब्लैक मनी। मेरे पास, मेरे क्लाइंट के पास 1 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी है। ठीक है, उसको यह पैसा अपनी कंपनी में लगाना है। ठीक है, तो उसे पहले तो इसे वाइट करना पड़ेगा, उसे अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी, तब तो वो पैसे को इंट्रोड्यूस कर पाएगा। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, इस ब्लैक मनी को उसकी कैपिटल, शेयर कैपिटल में लाने का एक इंतजाम करा देते हैं। क्या कराते हैं? इनके हम कंपनी के शेयर्स लोगों को परचेज जो करवाते हैं, जैसे मान लीजिए 10 रुपए के शेयर हैं इसकी कंपनी के, तो हम क्या करते हैं, लोगों को सब्सक्राइब करवाते हैं, कहते हैं कि इनकी कंपनी के शेयर खरीद लो 80 रुपए में, और 70 रुपए हम इन्हीं से दिलवा देते हैं उसको। मैंने जैसे आपसे कहा कि ये जो मेरे क्लाइंट है इनकी कंपनी के शेयर खरीद लो, 10 रुपए के शेयर है लेकिन 80 रुपए में मिलेंगे, चिंता मत करो 80 रुपए में मिलेंगे, तो 70 रुपए भी मैं क्लाइंट से तुमको दिलवा रहा हूं, तो 70 रुपए उनका, 10 रुपए अपना मिला के 80 रुपए में शेयर खरीद लो। तो आप कहते हो ठीक है कोई बात नहीं, तो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम के जरिए यहां पे आ जाता है, यही 1 करोड़ रुपए घूम घूम के यहां पे आ गया।
अब इनकम टैक्स ये कहता है कि छोटी मोटी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इसमें लोग भला प्रीमियम क्यों देंगे? रिलायंस जैसी कंपनी को आप प्रीमियम पे शेयर खरीदते तो समझ में भी आता है कि रिलायंस कंपनी के शेयर है 100 की जगह 500 में खरीद रहे हो। अरे इसके क्यों खरीद रहे हो तुम 100 रुपए के शेयर 112 रुपए में या 100 रुपए में 50 रुपए में? मतलब इसको प्रीमियम क्यों मिलना चाहिए? बात यह है, गवर्नमेंट का मानना है कि अगर प्रीमियम के जरिए पैसा आ रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा जो अनजस्टिफाइड है, अनजस्टिफाइड है तो ऐसे केस में जो भी पैसा आएगा वो क्या बन जाएगी? आपकी इनकम बन जाएगी। किसकी? जिसकी कंपनी में वो प्रीमियम आया उसकी इनकम बन जाएगी वो। ये प्राइवेट कंपनी के लिए बात हो रही है क्योंकि पब्लिक कंपनी में लोग प्रीमियम देते हैं वो जेन्युइन भी होता है। क्लोजली हेल्ड कंपनी में प्रीमियम आना गवर्नमेंट को ये बात पच नहीं रही है। कहता है वेयर क्लोजली हेल्ड कंपनी इश्यूज शेयर्स टू अ रेजिडेंट फॉर अमाउंट एक्सीडिंग द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स देन द अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द कंपनी। द फेयर मार्केट वैल्यू फॉर दिस पर्पस इज द हायर ऑफ द वैल्यू अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड टू बी प्रिस्क्राइब्ड एंड वैल्यू एज सब्सटेंटिएटेड बाय द कंपनी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एओ। कहता है आपको एसेसिंग ऑफिसर को यह बात समझानी पड़ेगी कि वैल्यू बेसिकली इतनी बनती है शेयर की। अगर आप नहीं समझा पाएंगे तब वो इनकम बनेगी, समझा पाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। द कंपनी कैन सब्सटेंटिएट द वैल्यू बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल राइट। कंपनी बेसिकली अपनी गुडविल अपने एसेट्स की वैल्यूएशन के बेसिस पर बता सकती है कि मेरे शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। और अगर ये बात समझा पाती है कि भाई ठीक है 10 रुपए के शेयर का 40 रुपए लिया जाना चाहिए तब तो ठीक है। लेकिन अगर कंपनी यह बात नहीं समझा पाती है कि 10 रुपए के शेयर का 40 रुपए क्यों लिया जाना चाहिए, उसके एसेट इतने नहीं है, ठीक है, शेयर की वैल्यू इतनी नहीं होनी चाहिए, तो जितना पैसा उसको शेयर प्रीमियम का आया है वो उसके हाथ में इनकम मानी जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट समझ जाती है कि उसी ने प्रीमियम का पैसा देके शेयर होल्डर से लिया है, प्रीमियम के नाम पर पैसा अपनी ब्लैक मनी ही डाइवर्ट किया है। द प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू अमाउंट रिसीव बाय अ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल कंपनी। अगर मान लीजिए पैसा वेंचर कैपिटल रिसीव बाय वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल कंपनी, कह रहा है कि अगर मान लीजिए पैसा आता है कहां से है, एक वेंचर कैपिटल फंड से या वेंचर कैपिटल कंपनी से आता है तो ऐसे केस में टैक्सेबिलिटी नहीं लगेगी क्योंकि वेंचर कैपिटल कंपनी का काम ही यही होता है, वो लंबा पैसा प्रीमियम के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, वो तो हाईली रिस्की वेंचर्स को प्रमोट ही करते हैं, इंकरेज ही करते हैं। मैं आपको बताता हूं ये वेंचर कैपिटल कंपनीज होती है ना, ये न्यू रिस्की वेंचर्स में ही पैसे लगाती हैं, ठीक है, तो वो लोग पैसे कैसे लगाती हैं? जैसे शेयर कैपिटल जो होता है, शेयर कैपिटल का 51% पैसा उसी का लगा होता है जिसने ये कंपनी बनाई है और 49% पैसा देती है वेंचर कैपिटल कंपनी, लेकिन 49% दे के वो लगभग पूरा पैसा दे देती है। मतलब समझे कैसे दे देती है? क्योंकि जो ये कंपनी बना रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने आप को 100 रुपए के शेयर होते हैं तो 1-1 रुपए में अलॉट कर देता है और वेंचर कैपिटल कंपनी को वही 100 रुपए के शेयर 1-1 लाख रुपए में अलॉट कर देता है, तो पैसा तो सारा वहीं से आ गया, ठीक है, लेकिन शेयर भी 49% रह गए वेंचर कैपिटल कंपनी की, ताकि मालिक वो खुद ही बना रहे जो ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो यहां जेन्युइन है, ये यहां होता है ऐसा, गवर्नमेंट को भी मालूम है, इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि वेंचर कैपिटल कंपनी से पैसा आया है शेयर प्रीमियम का तो वहां पर यह सब कानून नहीं लगाया जाएगा। अगला हेडिंग देखिए, फैमिली पेंशन पेमेंट रिसीव बाय द लीगल हेयर ऑफ अ डिजीज्ड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो पेंशन उसके घर वालों को एम्प्लॉय देने लग जाता है और इस पेंशन को फैमिली पेंशन कहा जाता है। यह फैमिली मेंबर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है लेकिन यहां से कुछ डिडक्शन मिल जाती है, आइए उसी को देख लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय इफ देयर इज एनी फैमिली पेंशन रिसीव बाय द लीगल हेयर ऑफ द डिजीज इट विल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द लीगल हेयर। वो लीगल हेयर की इनकम हो जाती है जिसको रिसीव होता है, विल बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑन सच पेंशन एज पर सेक्शन 57 स्टैंडर्ड डिडक्शन शैल बी अलाउड। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लीगल हेयर को मिलता है जिसको पेंशन मिल रही होती है। डिडक्शन कितना है? 33 1/3% वो यानी 1/3 हो गया, 1/3 ऑफ सच पेंशन 15,000 रुपए विच एवर इज लेस। पेंशन का 1/3 या फिर 15,000 रुपए जो कम होगा उतना छूट मिल जाएगा, उतनी डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी को 60,000 रुपए की फैमिली पेंशन आ रही है तो 1/3 ऑफ द पेंशन का मतलब हो गया 20,000 रुपया और 15,000 रुपया विच एवर इज लेस, तो उसको डिडक्शन जो मिलेगी वो 15,000 की मिलेगी, तो 45,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। कोई बंदा है जिसको 30,000 रुपए की फैमिली पेंशन आ रही है तो 1/3 ऑफ द पेंशन हो जाएगा 10,000 रुपया, 1/3 पेंशन का 10,000 रुपया और 15,000 रुपए विच एवर इज लेस, तो 10,000 मिलेगा,
जो कम होगा, एक तिहाई या फिर 15,000 रुपए जो कम है, तो उसे 20,000 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। ये है डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन। कुछ नोट में बातें लिखी गई है, ये उसको दिखाते हैं आपको। टैक्स ग्रेट या पेमेंट मेड टू द विडो और अदर लीगल हेयर ऑफ द एम्प्लॉय हु डाइज व्हाइल स्टिल इन एक्टिव सर्विस विल नॉट बी टैक्सेबल इफ इट इज पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। एक्स ग्रेटिया पेमेंट का मतलब होता है अ पेमेंट विच हैज बीन मेड ग्रेटिट्यूसली बाय माय ओन विदाउट एनी एग्रीमेंट। फिर से बोलते हैं, अगर इंप्लॉयर पैसे दे दिया इंप्लॉय को, ठीक है, वो पैसे जिसका कोई वादा नहीं किया था, ठीक है, कब, जब इंप्लॉय की डेथ हो जाती है। इंप्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है या फिर उसके बच्चे हैं उसको इंप्लॉयर कुछ पैसे दे देता है, ठीक है, काम करने के दौरान इंप्लॉय की डेथ हो गई तो इंप्लॉय के घर वालों को और बच्चों को पैसा दे दिया, जबकि ऐसा कहीं बोला नहीं गया था नौकरी देते समय कि अगर तुम्हारी जॉब करते समय कभी मृत्यु हो गई तो तुम्हारे घर वालों को पैसा दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ बोला नहीं गया था। वो एक्स ग्रेटिया, एक्स ग्रेटिया मतलब अपने मन से दे दिया गया, तो वो पैसा इंप्लॉय के घर वालों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, यही कह रहा है आपने, ठीक है। अच्छा, यहां पे कह रहा था अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी देती है, और फिर यहां पे दूसरे पॉइंट में कह रहा है चाहे कोई भी दे दे, जैसे प्राइवेट कंपनी एक में काम कर रहे हो वहां से भी मिल जाए तो भी वही बात है कि टैक्सेबल नहीं होगा। और तीसरा है कि अगर जो आर्मी वाले होते हैं उनको पेंशन आती है ना, उनके घर वालों को जब आर्मी वाले लोग की डेथ हो जाती है तो वो भी उनके घर वालों के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। तो याद रहेगा ये तीनों पॉइंट कि किसी भी इंप्लॉय की डेथ हो जाए, चाहे आर्मी वाला हो चाहे कोई भी हो, बस कुल मिला के हम कंप्लीट कर देते हैं इसे, ठीक है, और इंप्लॉय पैसा देता है तो वो पाने वाले के हाथ में टैक्स फ्री होता है, ठीक है। बाकी पेंशन के केस में 1/3 और 15,000, लेकिन आर्मी वालों का पूरा पेंशन एग्जेम्प्ट होता है। जैसे आर्मी वालों के घर वालों को जब पेंशन मिलती है तो उस पर आर्मी के घर वालों को कोई टैक्स नहीं देना होता है, और बाकी लोगों को पेंशन में से 1/3 और 15,000 रुपए विच एवर इज लेस की ही एग्जेम्पशन दी जाती है। कोई दिक्कत यहां तक? अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अगर आप निकाल रहे हो तो उस इनकम को अर्न करने के लिए जो आपने खर्चे किए वो आपको लेस करने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहां पे हम आपको बताएंगे कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपको लेस करने के लिए नहीं मिलते हैं। द फॉलोइंग पेमेंट्स आर बी डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द एसएससी। कोई पर्सनल खर्चा घटाने नहीं दिया जाएगा, तो सॉरी सी बात है, पर्सनल क्यों घटाने दिया जाएगा। इंटरेस्ट एंड सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड सोर्स। टीडीएस काटे बिना अगर इंटरेस्ट और सैलरी की पेमेंट इंडिया के बाहर करोगे तो घटाने नहीं देंगे हम खर्चा। आउटसाइड इंडिया इंटरेस्ट एंड सैलरी की पेमेंट, हालांकि बिजनेस में तो बड़े सारे रिस्ट्रिक्शन थे, कोई भी ऐसी पेमेंट जिसपे टीडीएस काटना है तो काटना पड़ता था, ठीक है, चाहे इंडिया में दे रहे हो चाहे इंडिया के बाहर दे रहे हो। इंडिया के अंदर अगर टीडीएस काटे बिना कर दिए तो 30% डिसअलाउ होता था, इंडिया के बाहर अगर कर दिए पेमेंट विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस तो 100% डिसअलाउ हो जाता था, ठीक है। यहां पर सिर्फ आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा, वो भी दो खर्चों की। अगर इंटरेस्ट और सैलरी इंडिया के बाहर अगर आप दे रहे हो विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस तो आपको खर्चा घटाने नहीं मिलेगा। यहां क्या करें आप आगे, एक्सपेंसिव पेड टू रेजिडेंट इन इंडिया, अगर रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वेयर सेक्शन 40A IA इज नॉट कंप्लाइड। याद है ना वही बात जो 30% ऐसे लागू हो जाता था कि रेजिडेंट के केस में बोलता था ना कि आपको टीडीएस काट लेना है एंड ऑफ द ईयर तक और जमा कर देना है बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, और अगर आपने काटा नहीं एंड ऑफ द ईयर तक या फिर जमा नहीं किया बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तो 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाता था, वो चीज यहां भी होगा। फिर आपने पीजीवी में पढ़ा था सेक्शन 40A(2) कि अगर आप अपने रिलेटिव को अनरीजनेबली हाई पेमेंट देंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा, अदर सोर्सेस में भी यही होगा, ठीक है। 40A(3) था कि 10,000 रुपए से ऊपर की कोई नगद पेमेंट करोगे तो डिसअलाउ हो जाएगा, तो यहां भी वही होगा, अगर कोई 10,000 रुपए से ऊपर का नगद पेमेंट है आपका तो वो खर्चा आपको घटाने नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पर्सनल खर्चा होता है, वो नहीं घटाने को मिलेगा। एनी एक्सपेंडिचर अलाइंस इन कनेक्शन विद विनिंग ऑफ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, ये जो तकदीर वाली इनकम है वहां से कोई खर्चा घटाने को नहीं मिलता, वहां पर जितना पैसा आता है वही इनकम होती है। लॉटरी 1,00,000 की खुलती है तो 1,00,000 रुपए इनकम होता है, हालांकि उस 1,00,000 रुपए की लॉटरी खुली तब है जब 10,000 की लॉटरी खरीदे थे, उससे मतलब नहीं है,
जितना आया वो इनकम। हर एक्सपेंडिचर इनकम पे नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ये बात हम पहले भी किए हैं, इसको कहा जाता है स्टड फार्मिंग। कौन करता है ये धंधा, ये भी मैंने बताया था आपको, विजय माल्या, ठीक है। ये जो स्टड फार्मिंग वाले हैं उनको खर्चे की डिडक्शन मिलेगी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। अरे भैया, क्योंकि ये बंदा जुआ नहीं खेल रहा है, ये बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उसको खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलती है जो जाके बस घोड़े पे जुआ खेलता है, जुआ घोड़े पे पैसा लगाता है, ठीक है, कि 5 नंबर के घोड़े पे 5 लाख रुपया, उसको खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कर रहे हैं, घोड़े को तैयार कर रहे हैं रेस के लिए, उन्हें खर्चा घटाने को मिलेगा, क्योंकि घोड़े पे बहुत खर्चा होता है, वो घटाने को मिलेगा, और घोड़ा जीतेगा तो जो आएगा वो रेवेन्यू है, ठीक है। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोग ने सारे सेक्शंस इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए, और आई होप आपको भी सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आई। आइए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आपके साथ करते हैं और आपको टेस्ट करते हैं पैरेलली कि आपने कितना अच्छा समझा इन चीजों को। प्लीज कम टू एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहुंच गए एमसीक्यू तक। आइए स्टूडेंट्स एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट फर्नीचर। मशीनरी प्लांट फर्नीचर, देखिए हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे देते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, लेकिन उसके अलावा कोई भी चीज आप देते हैं तो अगर वो बिजनेस है आपका तो पीजीबीपी, और नहीं है तो आईयूएस, तो पीजीबीपी आईयूएस कुछ भी हो सकता है। बताइए कौन सा आंसर सही है, सी। Chargeable under that income from other sources only if it is not chargeable under that PGBP. चलिए अगला देखते हैं। In respect of winning from lottery, crossword puzzle, race, including horse race or card game etc. Winning from lottery, crossword puzzle, ये तकदीर वाला जितना खेल है, ये तकदीर वाली इनकम से रिलेटेड कुछ बात पूछ रहा है, देखिए क्या बोलता है। कहता है नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज अलाउड, सही बोल रहा है एकदम। एंड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कैनॉट बी एग्जॉस्टेड, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए वाली वो भी नहीं मिलती है। मैंने बताया था ना कि लॉटरी अगर 50,000 रुपए की इनकम आई है तो भी 50,000 का 30% 15,000 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट छोड़ती नहीं। गवर्नमेंट कहती है तकदीर से कमा रहे हो अब, तो इस बात की छूट दे तुमको, तुम खुद ही किस्मत वाले हो, तुम्हारा तो ऊपर वाला भी देख रहा है, वो इनकम टैक्स को देखने की तुमको क्या जरूरत है, ठीक है। बी, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 इज अलाउड बट एग्जॉस्टेड अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कैन बी एग्जॉस्टेड, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जितनी बची हुई है 2.5 लाख रुपए में से वो हम लॉटरी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं, लॉटरी इनकम को तो जाएगी नहीं एग्जेम्पशन लिमिट में, बी गलत है। बोथ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 एंड बेसिक एग्जेम्पशन आर अलाउड, नहीं भाई, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 इज अलाउड बट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, 6A का डिडक्शन मिलता है, नहीं भाई नहीं मिलता है, तो ए सही है, ना तो चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलेगा ना एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी। थर्ड है द डिडक्शन अलाउबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फैमिली पेंशन से डिडक्शन थोड़ी देर पहले पढ़ा है, कितना मिलता है 1/3 or 15,000 विच एवर इज लेस, 1/3 को 33 1/3% भी कह सकते हैं, ये रहा 33 1/3% ऑफ द पेंशन 15,000 रुपए विच एवर इज लेस। फोर देखिए, डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E इज चार्जेबल टू टैक्स, डीम डिविडेंड 222E का चार्जेबल टू टैक्स है, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग, कैश बेसिस ओनली, सी में कह रहा था ऑन पेमेंट बेसिस एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहां पर रख लीजिएगा, ये पेमेंट बेसिस पे होता है डीम डिविडेंड, बेसिकली जब लोन और एडवांस दिया जाता है ना तो उसी समय उस पर टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाती है, उसी समय वो डिविडेंड कहलाता है। गणेश रिसीव 60,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे, गणेश को 60,000 रुपए फ्रेंड से मिला है बर्थडे पे, ठीक है 60,000 रुपए पूरा टैक्सेबल है।
मिस्टर एक्स एज 61 इयर्स रिसीव डिविडेंड ऑफ रुपी 12 लाख फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी इन प्रीवियस ईयर 18-19. द टैक्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 115 डीबीडीए इज एट द रेट ऑफ 10% ऑन 12 लाख रुपए का डिविडेंड मिलेगा तो 10% के रेट से टैक्स लगेगा कितने रुपए पे? 12 लाख रुपए पे पूरे नहीं, 10 लाख रुपए के बियॉन्ड जो डिविडेंड होता है बस उस पर टैक्स लगता है, 2 लाख रुपए पे लगेगा। अच्छा, यही डोमेस्टिक कंपनी की जगह फॉरेन कंपनी बोल देता तो तब तो पूरे 12 लाख पे लगता, वहां तो टैक्स पूरे पे लगता है ना, ये डोमेस्टिक कंपनी के डिविडेंड के लिए छूट है। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज इन एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपए बाई एन इंडिविजुअल, 10 लाख रुपए से ऊपर का अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो अगेन ये स्पेशल रेट वाली इनकम है, और कोई भी स्पेशल रेट वाली इनकम से आपको चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता। तो यहां से भी चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 इज अलाउड एंड नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट सच इनकम। और दूसरी बात ये भी है कि वहां से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, कोई दूसरे निगेटिव इनकम को हम वहां से एडजस्ट नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट इस पर टैक्स लेगी आपसे हर हाल में। एग्जेम्पशन लिमिट वगैरह मिलती है, एग्जेम्पशन लिमिट वगैरह मिलती है यहाँ पे भी, ठीक है। देखिए हर स्पेशल इनकम से 3 कैपिटल गेन में थी, 2 अदर सोर्सेज में थी, सभी से चैप्टर 6 से डिडक्शन कहीं से नहीं मिलता, ठीक है। और रिबेट जो है वो बस एक जगह से, जो LTCG था STT, वहां से रिबेट नहीं मिलता। यहां वाले में जो था कि लॉटरी वाला, तो वहां से चैप्टर 6 से डिडक्शन भी नहीं मिलता और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी नहीं मिलती। और जहां तक रही बात डिविडेंड की, तो वहां चैप्टर 6 का डिडक्शन भी नहीं मिलता और कोई सेट ऑफ दूसरे लॉस का नहीं मिलता। 8, मिस्टर वाई हैज रिसीव्ड अ सम ऑफ रुपीज 51,000 ऑन 24/10/18 फ्रॉम रिलेटिव ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज। कोई बात नहीं, क्या उन्हें रिलेट मैरिज पे मिला है, ठीक है, तो एग्जाम तो पूरा। मिस्टर मैंक हैज रिसीव्ड अ सम ऑफ 75,000 ऑन 24/10/18 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। मैरिज एनिवर्सरी पे छूट थोड़ी ना है, मैरिज पे है। मैरिज एनिवर्सरी तो हर साल आएगी, हर साल मजा लूंगी क्या इसका, तो 75,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा बच्चों। 10th देखिए, द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इनहांस्ड कंपनसेशन ऑफ रुपी 1,50,000 received during the previous year 18-19 would be, जो enhanced compensation पे interest मिल रहा है, ठीक है, उस पे क्या deduction होगी वो आपसे पूछ रहा है। तो flat 50% की कहानी है यहां पे, तो 1,50,000 रुपए है तो 50% 75,000 रुपए की deduction मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक तो बताएं, क्लियर है ना सबको। आइए अब आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गिरधर रिसीव्स द फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19। गिरधर को इतने सारे गिफ्ट मिले हैं, एक नंबर पॉइंट से शुरू हो रहा है 14 नंबर पॉइंट तक है, ऐसे लगता है कि गिरधर अकेले इस दुनिया में आया है इतनी सारी किस्मत को लेके। गिफ्ट का पॉइंट नंबर 1 से लेकर 14 तक है, 14 तो गिफ्ट मिल गई है उसको साल भर में, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ गिरधर अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। गिरधर के हाथ में इनकम क्या होगी ये बताइए, ये पूरा गिफ्ट है, ये सब फॉलोइंग गिफ्ट है। तो बच्चों मुझे क्या करना होगा, 5 कॉलम बना लेने होंगे, गिफ्ट पढ़ते जाएंगे और पोस्ट करते जाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद टोटल से चेक कर लेंगे। पहले 3 कॉलम के में टोटल के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा और आखिरी के 2 कॉलम जो होंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, वो तो 50,000 से ज्यादा अगर इंडिविजुअल है ट्रांजेक्शन तभी वो इनकम है, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन ही 50,000 रुपए से ऊपर के पोस्ट करेंगे, लेकिन पहले दूसरे तीसरे कॉलम में सारे ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे, क्योंकि मुझे टोटल देखना है, टोटल 50,000 से ज्यादा हो जाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा।
तो एक काम करिए, क्वेश्चन पढ़ने की बजाय सीधे सॉल्यूशन पे आइए, पहले फॉर्मेट बनाइए और फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके लिखना शुरू कर देंगे। आंसर वन, पांच कॉलम बनाना है बच्चों, एक दो तीन चार पांच, और एक हो गया पर्टिकुलर का कॉलम, ये हो गया मनी, मूवेबल विदाउट कंसिडरेशन, मूवेबल इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, इमूवेबल विदाउट कंसिडरेशन, इमूवेबल इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। चलिए पढ़ते जाए बच्चों और करते जाए। सबसे पहला पॉइंट, ही गेट्स कैश गिफ्ट ऑफ 25,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ए, कौन सी कैटेगरी में जाएगा? पहले, पहला कैश गिफ्ट 25,000, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है ही गेट्स अनदर गिफ्ट ऑफ 5,000 बाय एन अकाउंट पे चेक फ्रॉम फ्रेंड ए। अरे भगवान, कैसे कैसे दोस्त मिलते हैं, इसको तो फ्रेंड ए गजब का मिला, 25,000 रुपए नगद पका दिया, उसके बाद भी उसको चैन नहीं मिला, तुरंत 5,000 रुपए का एक चेक काट के भी दे दिया, मुझे क्यों नहीं ऐसे दोस्त मिलते हैं। चलो 5,000 रुपए फिर मनी में आ गया। तीसरा, तीसरा है ही गेट्स बुलियन ऑफ 46,000 रुपए, लो सोने की बिस्किट मिल रही है इसको, विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम सी हु इज कजिन ऑफ हिज फादर, उसके पिताजी के कजिन से मिल रही है। हा हा हा, क्या बात है भाई, बुलियन भी मिल रहा है, कौन सी कैटेगरी में जाएगा? पहले तो ये बताइए, कजिन ऑफ हिज फादर रिलेटिव तो नहीं ना है? नहीं, कजिन ऑफ फादर रिलेटिव नहीं है बच्चों, ठीक है। तो फादर का जो रियल ब्रदर होगा ना वो रिलेटिव है, कजिन रिलेटिव नहीं है। तो ये किस में जाएगा? दूसरी कैटेगरी में, विदाउट कंसिडरेशन वाला है 46,000 रुपया। चौथा, चौथा आपको मिल रहा है सिल्वर कॉइन फ्रॉम डी हु इज एल्डर ब्रदर ऑफ हिज ग्रैंडफादर, दादाजी के बड़े भाई से मिल रहा है, रिलेटिव नहीं होते, दादाजी रिलेटिव है, दादाजी के भाई रिलेटिव नहीं है, ठीक है। सिल्वर कॉइन डी से मिला है तो ये कहां जाएगा? दूसरी कैटेगरी में, सिल्वर कॉइन 5,800। पांचवा, ड्राइंग ऑफ 45,000 फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, 45,000 फ्रॉम ग्रैंड मदर, ड्राइंग ग्रैंड मदर, जल्दी बताइए, रिलेटिव है बच्चों, ग्रैंड मदर रिलेटिव है, कुछ भी दे देंगी, टैक्सेबल नहीं होगा। डैश, फिर उसके बाद ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, अरे शादी तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए ही होती है, हमें तो लगता है, ठीक है। मैरिज पे जो भी आएगा सब टैक्स फ्री है, तो कहता है कि ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ गेदर ही गेट्स 2,80,000 एज गिफ्ट, आउट ऑफ विच 1,80,000 फ्रॉम डिफरेंट रिलेटिव ऑफ गेदर एंड मिसेस गेदर एंड रिमेनिंग अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड ऑफ गेदर एंड मिसेस गेदर। 2,80,000 रुपया मिला है, कुछ रिश्तेदारों से मिला, कुछ दोस्तों से मिला, सब टैक्स फ्री, मैरिज वाला। डैश 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 सब। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर लिखी क्यों रहे हैं, जब कहीं भी टैक्सेबल नहीं है तो छोड़ दीजिए, मत लिखिए ही मत बच्चों, ऐसा मत करना एग्जाम में, तुम अगर लिखोगे नहीं तो एग्जामिनर को कैसा पता चलेगा कि तुमको आता नहीं था इसलिए छोड़ दिए हो, कि वो इनकम नहीं है इसलिए छोड़ दिए हो, एग्जामिनर को क्या सपना आ जाएगा कि तुमको मालूम था ये बात कि इनकम नहीं है इसलिए तुमने नहीं लिखा, वो ये भी तो सोच सकता है कि तुमको आता ही नहीं था इसलिए तुम छोड़ दिए लिखना, इसलिए लिखो और डैश कर दो। सातवां, कंप्यूटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से तो जो कुछ भी मिलता है वो सैलरी में जाता है, अदर सोर्सेस में जाता ही नहीं है। इट वॉज परचेज फॉर 42,000 बाई एम्प्लॉयर ऑन दिस एंड गिवन एज गिफ्ट टू
employee on such and such date. Employer employee को computer देता है, तो वो तो आपको पता होगा ना कि 50% हर साल के use के हिसाब से उसकी वैल्यू रिड्यूस करके निकाल ली जाती है, वो सैलरी में जाता है, वो परक्यूजिट है, ये इनकम का अदर सोर्सेज में नहीं आएगा. ठीक है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की कंप्यूटर तो वैसे भी आईओएस में नहीं आता. अगर इंप्लॉय की जगह कोई और होता ना तो गिफ्ट की डेफिनेशन में नहीं है, आता ही नहीं. इंप्लॉय से अलग कुछ भी मिल जाए ना तो वो बेसिकली टैक्सेबल हो जाता है, इसलिए ये परक्यूजिट में जाएगा. गिल्डर को परचेज किया प्रॉपर्टी फ्रॉम फ्रेंड 65,000, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 6,00,000 रुपए की है. 6,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी 65,000 रुपए में, ये भगवान कहां से ये नसीब लेके पैदा हुआ है गिरधर. 6,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी इसको मिल रही है, हाउस प्रॉपर्टी 65,000 रुपए में, तो 5,35,000 रुपए सस्ती मिली है. तीसरे कैटेगरी में जाएगा ना, नहीं हाउस प्रॉपर्टी है. अरे माय गॉड बच्चे, हाउस प्रॉपर्टी इन एडिक्वेट कंसिडरेशन लास्ट वाली कैटेगरी में जाएगा. ये इमोबाइल प्रॉपर्टी इन एडिक्वेट कंसिडरेशन 5,35,000 नोवा. अभी थोड़ी लाइन और खींच लें हम. ठीक है. हाँ नाइन्थ देखो, 60,000 फ्रॉम पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से जो भी पैसा आता है वो एग्जम्प्ट होता है, ये कहीं नहीं जाएगा. दसवां, 2,40,000 अंडर विल ऑफ अ पर्सन नोन टू हिम, वसीयत के थ्रू इसको पैसा मिला है, वसीयत के थ्रू जो पैसा मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता. 11, तो वसीयत भी इनके माता पिता की नहीं है, जब देखोगे तो मजा ही आ जाएगा. वसीयत भी किसकी है, विल ऑफ अ पर्सन नोन टू हिम, किसी को बस जानता था उसने वसीयत कर डाली. ठीक है. फिर 20,000 रुपए कैश फ्रेंड से आ गया. फ्रेंड तो जैसे लग रहा है कि कमाते इसलिए कि इसकी झोली भर दे. 20,000 रुपए यहां पे आ गया. ठीक है. और देखो भाई 12, ही परचेसेस वर्क ऑफ आर्ट फॉर ₹72,000 फ्रॉम एन एग्जीबिशन इन चेन्नई. ठीक है. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट ऑन द डेट ऑफ परचेज 2,00,000. अगर ये एग्जीबिशन वाला रजिस्टर्ड डीलर होगा तो 72,000 रुपए में देगा तो 72,000 ही मार्केट वैल्यू कहलाएगी. लेकिन अगर ये अनरजिस्टर्ड होगा तो हम ये कहेंगे कि 2,00,000 की चीज 72,000 में मिली है और 1,28,000 रुपया गिफ्ट है. तो कहता है ऑर्गेनाइजर ऑफ द एग्जीबिशन इज नॉट अ रजिस्टर्ड डीलर, ये अनरजिस्टर्ड है. तो 2,00,000 की चीज 72,000 रुपए में आपने खरीद ली तो 1,28,000 रुपया इनकम हो गई. वर्क ऑफ आर्ट है ना, वर्क ऑफ आर्ट आता है गिफ्ट की डेफिनेशन में. तो मूवेबल प्रॉपर्टी इन एडिक्वेट कंसिडरेशन वाले में जाएगा ये वर्क ऑफ आर्ट 1,28,000. 13 क्या है, ही परचेजेस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी 8,00,000, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 9,60,000. 9,60,000 की प्रॉपर्टी 8,00,000 में मिल गई तुमको, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लास्ट वाली में जाएगा, सस्ता मिला है ना. कितना डिफरेंस है, 1,60,000. बर्थडे गिफ्ट मिला है चेक से 11,000 रुपए का, फ्रेंड ने दिया. देखो एक और फ्रेंड पैदा हो गया, 11,000 रुपए बर्थडे पे दे दिया. चलिए अब जोड़ लगाइए पहले वाले कॉलम की, 25,530, 30,20,50,50,60,61,000 रुपया. दूसरे की जोड़ लगाओ, दूसरे वाले 46,000, 46,50,51,800. चेक करते रहना, सही देख लिख रहे हैं ना. तीसरे वाले की टोटल 1,28,000. चौथी की टोटल बच्चों, चौथी में कुछ है ही नहीं डैश. पांचवी की टोटल बच्चों, 5,35,000 और 1,60,000, ये हो जाएगा 6,95,000. ठीक है. तो एक दो सब 50,000, देखो पहला दूसरा तीसरा 50,000 से ज्यादा है और चौथा तो हमने 50,000 से ज्यादा था तभी कॉलम में ही लाया था, तो चारों की चारों इनकम हो जाएगी. ठीक है. तो
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, गिफ्ट, गिफ्ट की इनकम क्या हो जाएगी, जोड़ लीजिए सारी, ठीक है, सारी जोड़ दी मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखिए। अब जयंत रिसीव्स द फॉलोइंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1819। जुलाई 3, 2018 परचेज ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर 8 लाख, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज 32 लाख। एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज की गई है फ्रेंड से 8 लाख रुपए की, जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 32 लाख रुपए है। तो ठीक है भाई, 24 लाख रुपए की इनकम हो गई। कौन सी कैटेगरी का है ये? पांचवीं कैटेगरी वाला गिफ्ट है ये। कैश गिफ्ट 1,51,000 रुपए मिला है फ्रॉम फ्रेंड ऑन मैरिज एनिवर्सरी। भूलिएगा मत, ये मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? पहली कैटेगरी। ठीक है, ये तो 151 ये पहली कैटेगरी में आ गया। रिसीव्ड हाउस प्रॉपर्टी एज गिफ्ट फ्रॉम मिसेज जैन, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 80 लाख रुपए। मिसेज जैन से मिल रहा है, वाइफ तो रिलेटिव होती है ना, तो ये टैक्सेबल होगा ही नहीं। कैश गिफ्ट ऑफ 60,000 फ्रॉम अमेरिकन फ्रेंड, ये पहली कैटेगरी का है। बीज फ्रॉम अ कलीग, ये भी पहली कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि पहली कैटेगरी में टोटल देखा जाता है ना, तो बीज जोड़ के देखेंगे टोटल 50,000 से ज्यादा हो गया और हो ही जाएगा। ठीक है, फिर और क्या है? सेकेंड हैंड कार मिली है आपको 2 लाख रुपए में, जिसकी मार्केट वैल्यू 8,50,000 थी। कार गिफ्ट की डेफिनेशन में आता है क्या बच्चों? नहीं। शेयर एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, ये नहीं आता। हटा दीजिए। पेंटिंग फ्रॉम अ शॉप 80,000 रुपए की खरीदे हो, जिसकी मार्केट वैल्यू 35,000 रुपए है। जब ध्यान दो, 35,000 की चीज 80,000 में खरीद लाओ, गिफ्ट थोड़ी ना एहसान करके आए हो जिसे खरीदे हो। 35,000 की चीज 80,000 रुपए में खरीद के आए हो, सस्ता खरीदते हो तब ना गिफ्ट होता है, ये भी नहीं है गिफ्ट। तो ये सब गेम भी खेला जाता है आपके साथ, ठीक है, ध्यान ना दे बच्चे हो, गड़बड़ कर दे तुरंत। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना होगा, चलिए करा देते हैं। पहले वाली कैटेगरी का हो जाएगा, जोड़ लीजिए तीनों, 1,51,000 प्लस 80,000 मिला के पहली वाली कैटेगरी का हो गया 2,31,000, और पांचवी वाली कैटेगरी का हो गया 24 लाख रुपया। तो दोनों मिला के हो गया 26,31,000, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई? तो चलिए, हम लोग को गिफ्ट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करने के लिए आ गए। होता क्या है कि आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में या तो क्वेश्चन गिफ्ट पे बेस्ड होते हैं या तो इंटरेस्ट पे बेस्ड होते हैं। अब हम आपके साथ कुछ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सी जोसेफ इज अ बिजनेसमैन डीलिंग इन क्लोथ। ऑन 1/4/2018 द पोजीशन ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट वॉज एज अंडर। साल के पहले दिन उसके पास क्या इन्वेस्टमेंट थी वो बता रहा है। ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट, अब यहां पढ़ रहे हैं द ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑल द अबव सिक्योरिटीज 1 May and 1 November। तो 1-4 को अगर उसके पास ये सारे इन्वेस्टमेंट थे और कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचा गया ऐसा नहीं बता रहा है, तो 1 May को भी उसके पास था सारा इन्वेस्टमेंट और 1 November को भी होगा, क्योंकि 1 April के बाद ही ये सारी चीज आएगी। 1 May आएगा, 1 November आएगा। तो यानी प्रीवियस ईयर 1819 में 1 May भी आया, 1 November भी आया, 6 महीने का इंटरेस्ट यहां बना और 6 महीने का इंटरेस्ट यहां बना, यानी साल भर का इंटरेस्ट इसको मिलेगा, ठीक है, साल भर का मिलेगा।
तो छह छह महीने पे अगर इंटरेस्ट आता है, दो बार इंटरेस्ट आने का मतलब होता है छह महीने का एक बार आएगा, छह महीने का एक बार आएगा, तो भाई दोनों ही ड्यू डेट आई है करंट ईयर में, तो सीधे साल भर का इंटरेस्ट निकाल लीजिए सभी पे। पहला है 38,000 का 9% आपके पास टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ बिरला जूट लिमिटेड। एक बात बताइए, कहीं पढ़ा है कि आपने कि बिरला जूट लिमिटेड का डिवेंचर का इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है? नहीं, ये टैक्स फ्री बोलने का मतलब ये होता है कि 9% को सीधे चेक पकड़ा दी जाएगी, ठीक है, और टीडीएस जो होगा वो कंपनी अपनी जेब से जमा कर देगी, तो इनकम जो होती है वो ग्रॉसअप करने के बाद आती है, ठीक है। देखिए कैसे प्रेजेंट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आंसर थ्री, हेडिंग देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसके अंदर फर्दर लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम के अंदर एक एक करके लिखना शुरू कर देंगे, 9% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ बिरला, बिरला जूट वॉट एवर, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे होगी, 38,000 का 9% इसका ग्रॉसअप करना पड़ जाएगा बच्चों, इंटू 100/90, क्योंकि 9% जो देगा वो 10% का टीडीएस अलग से जमा करेगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस 9% इज बेसिकली दिस 9% इंटरेस्ट इज ओनली 90% ऑफ द इनकम, एज बिकॉज 10% विल बी पेड सेपरेटली एज टीडीएस बाय द बिरला जूट। तो ग्रॉसअप कर दिया हमने इंटू 100/90 इंटू 100/100 माइनस टैक्स रेट, तो 38,000 इंटू 9% इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, यह रहा आपका 3800 रुपए। देखिए 38,000 रुपए का 10% बनेगा ना 3800 रुपया, वही 10% का 10% होता है 1%, 1% टीडीएस हो गया इनकम पे, छोड़ दीजिए ज्यादा नहीं समझिए। फिर उसके बाद 20,000 रुपए का 12% डिवेंचर जेड लिमिटेड, तो 12% इनकम हो जाएगी सीधे, 12% डिवेंचर ऑफ जी लिमिटेड, 20,000 का 12%, यहां ग्रॉसिंग अप की जरूरत नहीं है क्योंकि 12% है इस पे टीडीएस काट के फिर दिया जाता है, कितना 2400। तीसरा क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एनएससी, देखिए क्या लिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन एनएससी ड्यू, पहले 5 साल तक इंटरेस्ट ड्यू होता है और 6वें साल ड्यू नहीं होता क्योंकि सीधे मिल जाता है, और जो इंटरेस्ट 5 साल तक का ड्यू होता है ना वो इनकम फ्रॉम मदर सोर्सेज में जोड़ा जाता है, फिर चैप्टर 6A में डिडक्शन लिया जाता है। चैप्टर 6A के डिडक्शन की बात तभी आती है जब मुझे टोटल इनकम निकालने को बोले, क्योंकि तब तो हम जीटीआई से डिडक्शन लेके टोटल इनकम निकालेंगे, अगर टोटल इनकम नहीं बोलता है किसी हेड की इनकम बोलता है तो डिडक्शन का तो प्रश्न ही नहीं उठता ना, डिडक्शन दिखाना नहीं है मुझे, तो ये इनकम तो है तो इसे जोड़ेंगे तो सही, तो बाद में हालांकि ये घट जाएगा, चैप्टर 6A में डिडक्शन मिल जाएगा और टैक्स नहीं देना होगा। फिर उसके बाद है 7.5% जीओआई लोन 2003। अब मैं आपको बताऊं ये टैक्सेबल होता है, इस पर टीडीएस नहीं कटता है, ये 22,000 रुपए का 7.5% हो जाएगा, सोलह सौ पचास। फिर है 7% राजस्थान इन्वेस्टमेंट लोन 35,000 का 7%, फिर है 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 1015 में, याद है कि नहीं कि भूल गए, इन्वेस्ट एग्जेम्पशन की लिस्ट बहुत अच्छे से याद कीजिएगा ताकि कभी एग्जाम में गलती ना हो। टोटल कर लीजिए आप 3800, 2400, 3860, 1650,
2450 और एग्जेम्प्ट चाहिए, ये हो गया 14160 रुपये। ठीक है बच्चों, बच्चों ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आपके साथ, ये जो अनसॉल्व एक्सरसाइजेस हैं, इनके सॉल्यूशन वैसे तो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ठीक है, आपको पता ही है कि हमारी दो वेबसाइट हैं, एक है study@home.org और इस वेबसाइट पे डाउनलोड सेक्शन में जब आप जाएंगे, या इसका नाम है सर फ्री डाउनलोड्स, फ्री डाउनलोड या डाउनलोड नाम का सेक्शन है, उसमें जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। और या फिर आप जा सकते हैं onlinelearn.org, ये फुल कोर्सेज के लिए हमारी वेबसाइट है स्टडी एट होम, और ये ऑनलाइन लर्न है चैप्टर वाइज। ठीक है, रिवीजन के लिए कुछ लेना हो, कोई चैप्टर स्पेसिफिक है, प्रॉब्लम है, उसे समझना हो, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन यहां पे लिया जाता है onlinelearn.org पे। यहां पे भी आपको ईबुक सेक्शन में फ्री में मिलेगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, वो डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूशन मेरे ऑलरेडी हमारी दोनों वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संतोष होल्ड्स द फॉलोइंग सिक्योरिटीज ऑन अप्रैल 1, 2018, मतलब साल के पहले दिन ये सिक्योरिटीज थी, क्या क्या? 49,000 रुपए की 7% सिक्योरिटी यूपी गवर्नमेंट की, और ये लोग इंटरेस्ट देते हैं 15 दिसंबर को हर साल, तो 18-19 में आएगा इंटरेस्ट इसका एक बार। 68,000 रुपए की आपके पास 9% सिक्योरिटी है बिहार गवर्नमेंट की, और ये मार्च को हर साल इंटरेस्ट देते हैं, 31 मार्च को। ठीक है, 88,000 रुपए की आपके पास 6% डिवेंचर है एलीट लिमिटेड का, इसका इंटरेस्ट आता है जुलाई 15 को हर साल। अगस्त 3 को ही सेल्स 30,000, 6% डिवेंचर ऑफ एलीट लिमिटेड। इस 88,000 रुपए में से 30,000 रुपए का डिवेंचर आपने एलीट लिमिटेड का बेच दिया 3 अगस्त को, तो आपको इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा? 58,000 के डिवेंचर पे मिलेगा या फिर पूरे 88,000 के इंटरेस्ट पे मिलेगा? 88,000 का डिवेंचर था जिसमें से 30,000 का डिवेंचर बेच दियो, तो बचा कितना है? 58,000 का डिवेंचर। तो आपको जो ब्याज है वो 58,000 के डिवेंचर पे मिलेगा या फिर 88,000? पूरे 88,000। क्यों पता है? क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है 15 जुलाई को, तो 15 जुलाई को आप इंटरेस्ट पूरा ले लिए और फिर 3 अगस्त को उसके बाद में बेच रहे हो, तो इंटरेस्ट तो रिकॉर्ड डेट पे तो मेरे पास था ना पूरा 88,000 रुपए का डिवेंचर, तो मिल गया इंटरेस्ट पूरे पे। और जो 30,000 रुपए का मैं डिवेंचर एलीट लिमिटेड का बेचता हूं, उसका करता क्या हूं? देखिए, इन्वेस्टर सेल प्रोसीड इन डिवेंचर ऑफ कॉन्सेप्ट लिमिटेड, मैंने कॉन्सेप्ट लिमिटेड के डिवेंचर में वो पैसे लगा दिए। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 ही रिसीव 5747 नेट एज इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिवेंचर ऑफ कॉन्सेप्ट लिमिटेड। 18-19 में उसको इतना इंटरेस्ट मिला है कॉन्सेप्ट लिमिटेड से, ये नेट इंटरेस्ट है, यानी ग्रॉसअप करके इनकम पता चलेगी। इंटरेस्ट ऑन 9% गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच अक्रूड ऑन मार्च 31, 2019 इज रिसीव्ड ऑन अप्रैल 15, 19। ये जो बिहार गवर्नमेंट वाली सिक्योरिटी का इंटरेस्ट था ये 31 मार्च को अक्रू होता है, तो 31 मार्च 2019 को अक्रू हुआ लेकिन रिसीव हुआ 15 अप्रैल 2019 को, यानी रिसीव तो हुआ प्रीवियस ईयर 19-20 में। तो रिसिप्ट के बेसिस पे इनकम बनेगी या अक्रूड के बेसिस पे इनकम बनेगी, डिपेंड करता है आपकी अकाउंटिंग कैसी है। ठीक है, अगर आपकी अकाउंटिंग अक्रूअल बेसिस है तो 18-19 प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर आपकी अकाउंटिंग कैश बेसिस पे मेंटेन होती है तो 19-20 प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा। कैलकुलेट द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ संतोष फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20। संतोष मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए इसको। किया जाए सॉल्व आंसर 4। तो यहां पे एक मर्केंटाइल सिस्टम है ना, अक्रूवल सिस्टम है, तो 18-19 में टैक्सेबल हो जाएगा बिहार गवर्नमेंट वाला भी। सेवन परसेंट यूपी गवर्नमेंट सिक्योरिटी,
49,000 × 7%। फिर 9% बिहार गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, ₹68,000 × 9%। फिर 6% डिबेंचर एलईट लिमिटेड, ₹88,000 × 6%। फिर है कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड, ठीक है, उसका भी तो आपने लिया था डिबेंचर कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड, इसकी 5747 इंटरेस्ट आई नेट, इसकी ग्रॉसिंग अप कर दी गई ₹200/90। बस और कुछ नहीं करना है। एलिट लिमिटेड के पूरे डिवेंचर पे इसलिए मिल गया क्योंकि आप बेच तो दिए थे, लेकिन फिर भी मिल गया क्योंकि वो पहले ही ड्यू डेट आ गई ना, तो आपको पूरे 88,000 पे मिल गया, उसके बाद आपने बेचा है। और जो कॉन्सेप्ट लिमिटेड नया खरीदा था उस पर भी आपको इंटरेस्ट आ गया। कैलकुलेट कर लीजिए, 49,000 × 7% 3430। ठीक है, ये और करते हैं आगे, ये लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए पहले। हो गया, चलिए आइए अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन फाइव है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1819 श्री गुरुधर सिंह हैड द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। ₹33,000 का 12% टैक्स फ्री डिवेंचर है एस लिमिटेड का। देखिए ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए आपको 33,000 × 12% करना होगा, और फिर उस पर करेंगे आप ₹100/90, ग्रॉस अप करना होगा क्योंकि टैक्स फ्री लिख रहा है ना, टैक्स फ्री इसके कहने से तो हो नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि 12% तो ये दे ही देता है और टीडीएस अलग से दे देता है, तो ग्रॉस अप कर दीजिए उसको। 9% रिलीफ बॉन्ड, रिलीफ बॉन्ड याद है एग्जेम्प्ट होता है ये, 66,000 रुपए का 10% टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ मालवा टेक्सटाइल। फिर वही टैक्स फ्री कर रहा है तो 66,000 में 10% लगाओ और टैक्स फ्री कह रहा है इसलिए ₹100/90 कर दो। 20,500 रुपया 6% टैक्स फ्री डिवेंचर इशू पे
नोटिफाइड पब्लिक सेक्टर कंपनी, नोटिफाइड पब्लिक सेक्टर कंपनी याद है ये एग्जेम्प्ट था, अगर आप कुछ ठीक से याद हो तो। ठीक है, इंटरेस्ट इज पेड एनुअली 31 दिसंबर, 2% कमीशन भी लग जाता है बैंक को ऑन कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। तो 2% जो कमीशन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जितना इंटरेस्ट बैंक में आया बैंक तो उस पर कमीशन ली होगी ना, जितने की चेक आई होगी, तो जितने की चेक आई उसका 2% कमीशन निकाल लीजिए। लेकिन हाँ, एग्जेम्प्ट इनकम का खर्चा भी घटाने को नहीं मिलता है, जो इनकम टैक्सेबल है बस उसका खर्चा घटाने को मिलेगा। तो यहां पे कितने की चेक आई होगी, चेक तो 33,012% ही आई होगी, 33,012% कितना होता है 6600। ठीक है, और यहां पे चेक कितने की आई होगी, 66,010% नहीं, एक सेकेंड, 33,012% थोड़ी ना होगा 6600, 33,012% होता है 3960। ठीक है, और यहां पे 10% हो जाएगा 6600, तो 2% कमीशन बनेगा 2% 3960 प्लस 6600 रुपए का, इतने का 2%। ये खर्चा घटा दीजिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम से खर्चे भी घटाने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो, आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए और इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का दी एंड। ठीक है, क्वेश्चन सिक्स है, रामदीन अ रेजिडेंट इंडिविजुअल सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। रॉयल्टी फ्रॉम कोल माइन है 30,000 रुपए की, ठीक है, आईओएस की इनकम है। सैलरी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी आईओएस की इनकम होती है। ठीक है, हिज रेजिडेंशियल हाउस हैज बीन टेकन ऑन रेंट 10,000 पर एनम, हाफ ऑफ व्हिच ही हैज सबलेटेड 1200 रुपए महीना। एक घर उसने किराए पे लिया जिसका 10,000 रुपए किराया देता है साल का, आधा उसने किराए पे दे दिया और 1200 रुपया महीना पाता है, तो 1200 रुपए महीने के हिसाब से उसको मिला कितना, 1200 × 12, और 10,000 रुपए वो किराया देता है तो आधे मकान का खर्चा कितना है, मतलब ये इनकम को अर्न करने के लिए वो खर्चा भी तो कर रहा है 5,000 रुपया। देखिए, हमने एक मकान लिया 10,000 रुपया साल का किराया देके, आधा मकान में उसको फर्दर किराए पे दे दिया, तो जो मकान मैंने किराए पे दिया, जो हिस्सा मैंने किराए पे दिया, उसका किराया मैं कितना दे रहा हूं, 5,000, आधा किराया, आ कितना रहा है 1200 × 12, 14,400, तो 9,400 रुपए की मेरी इनकम होगी। यहां पे डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी टैक्सेबल होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, ये भी टैक्सेबल होता है। तो पेड कलेक्शन चार्जेस ऑफ 100 फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड, डिविडेंड में 100 रुपए खर्चा लग गया है, तो ठीक है 7,900 इनकम है, 3,000 रुपए रॉयल्टी की वजह से खर्चा लगा है, 3,000 रुपए यहां से लेस कर दीजिए, 27,000 ये इनकम हो गई। सैलरी वाली 26,000 पूरी इनकम है ही है, यहां पे 9,400 हो गया किराया वाला, 7,900 डिविडेंड वाला, एग्रीकल्चर वाला पूरा 25,000 रुपए इनकम होगा, जोड़ लीजिए सारा ये इनकम आ जाएगा, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिए। रॉयल्टी वाली 77,000, सैलरी 26,000 रुपया, सैलरी भी अदर सोर्सेस की इनकम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिल रही है, ठीक है ना, 9,400 किराया वाला, फिर 7,900 डिविडेंड वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी का, फॉरेन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिविडेंड टैक्सेबल होता है। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट होती है, बाहर तो टैक्सेबल है ही, 25,000 रुपया वो जोड़ लीजिए, आ रहा है मेरा 95,300। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को कंप्लीट कर लिया, राइट, आपने भी सब कुछ नोट कर लिया ये सब। चलिए, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, विल स्टॉप हियर।